नमस्ते सारे गी, आऊं अंजलि खजूरिया ते तुस दिखा दे हो जम्मू लद्दाख विजन, जिन्ना के कला माता रानी दे नवरात्रे जड़े ना वह स्टार्ट होने वाले है। ते अज पितरें दा जड़ा वो लास्ट दिन है, यानी कि अज लोके पितर जड़े ना वो अपने घर टोरी उड़ने न, ते कल जड़े वो माता रानी दे नवरात्रे जड़े वो स्टार्ट होई चुकने हैं। ते कल जिन्ना के सांख लोग रांदे अपने घर माता रानी दे नां दी, ते कन्नै गै कल माता रानी ने भी शरधालुएं दे घर जेह्ड़े भगतें दे घर जेह्ड़ा विराजमान जेह्ड़ा होई जाना। अगर गल करचै माँ वैष्णो देवी दे दरबार विच, ते काफ़ी ज़्यादा शरधालु इस टाइम कटरा विच आए पुजदे ने। श्राइन बोर्ड ने इस गल की जानकारी दी और उन्हें आखिया है कि अजे तक जेहड़ी टोटल लोगों की रजिस्ट्रेशन जी हुई है, पंजीकरण होए दा है, वह 1600 लोगों जेहड़ा पंजीकरण जेहड़ा कराई लिया। आए भी काफ़ी ज़्यादा यात्रु जेहड़े ने वह सफ़र करना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जिन्ना कि अगर गल करचै हैंडीकैप लोगों की, तो अगर उन्हें माता रानी के दरबार में जाना हो तो उन्हें एक दूसरे तरले मिन्नतां करने पौंदियां कि उन्हें जाना बड़ा मुश्किल हो जाता, कि उन्हें कुसै दा सहारा लैने पौंदा कि वह मिगी फड़ी फड़ी ले आए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। माता की चढ़ाई जल्द चढ़नी हो बड़ा हैंडीकैप लोग नहीं चढ़ी सकते, लेकिन श्राइन बोर्ड ने उनके हैंडीकैप लोगों वास्ते एक बड़ी अच्छी सुविधा जी रखी है। सुविधा के रखी है कि जिन्हें भी दिव्यांग लोग है यानी कि हैंडीकैप लोग है, उन्हें कोड़ी की जी सेवा वो फ्री थोनी, बैटरी वाली कार, पिट्ठू, ये सारी सेवाएं जी माता रानी के भवन तक जी उन्हें फ्री लेनी है जेडे कि हैंडीकैप लोग है। तो कहने अगर गल करचै रुट्टी की सेवा, जिहड़ा भोजन है वह भी जिहड़ा फ्री है हैंडीकैप लोगों वास्ते, एक बड़ा अच्छा कदम जिहड़ा उह श्राइन बोर्ड ने उठाया है कि जिन्हें भी हैंडीकैप है उन्हें गी ये सर्विस जिहड़ी वह फ्री दिती जा रही है। और ये पहला बड़ा गै शैल कदम है जिहड़ा श्राइन बोर्ड ने चुकया है, कि अक्सर तुसीं देखिओ ना कि हैंडीकैप लोग जिहड़े बड़े ज़्यादा परेशान हो जांदे, सारे दा गै मन करदा कि अस माता रानी दरबार विच जाचै। खास तौर पर अगर गल करचै नवरात्रे विच, नवरात्रे विच हर एक बंदे दा मन करदा कि अस जाचै माता रानी दरबार विच और मत्था टेकने वास्ते स्पैशल जाचै। फिलहाल तुस भी बने रहो जम्मू लद्दाख विजन कन्नै और कमेंट सैक्शन च जय माता दी जिहड़ी ओह जरूर लिखियो। धन्यवाद थुआढ़ा सारे दा।